पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ख्वाजा साहब की तरह, ख्वाजा साहब और ख्वाजा साहब की तरह, ख्वाजा साहब आए जी, केक ख्वाजा साहब हमारे, ख्वाजा साहब भी केक काटेंगे। हमारी म्यूनिख में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे आज मौजूद है, उनमें सबसे सीनियर हमारे ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब से हम बातें, कुछ बातें भी सुनेंगे यहाँ पे। इन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है जी। ख्वाजा साहब केक काट के लाते मानी ले यार। देखो आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। आज हम म्यूनिख में मौजूद है, ग्राउंड में मैं और वासिफ भाई, और देसी मीडिया ऑफ डॉयचलैंड ने आज ये इवेंट करवाया, साथ कोलैबोरेशन सीक्रेट ऑफ स्पाइसेस। और जी आज हम जश्न आजादी मना रहे हैं 14 अगस्त की, और जो वीडियो बाद में देखें तब भी आप याद करें म्यूनिख में जबरदस्त इवेंट हुआ था। और मिली नगमों से शुरू किया, तलावत पुराने पाक से शुरू हुआ, फिर मिली नगमे हुए, नेशनल एंथम हुआ, और सबसे जबरदस्त डॉक्टर तस्नीम भाभी जो केक लाई थी वो केक कटिंग सेरेमनी हुई, और अब मुंतजर है बिरयानी। जी आज सब लोगों ने जो केक की तारीफ की थी वो तस्नीम भाभी, डॉक्टर तस्नीम भाभी ने बनाया। तो इनसे पूछते हैं कि इतना अच्छा केक बनाना कहाँ से सीखा। खैर ये तो है, लेकिन आपने खुद ऑफर की कि मैं केक लेकर आऊँ ताकि बच्चे एंजॉय करें, तो कैसे आपको ये ख्याल आया? मुझे हमेशा से ही हर इवेंट को अच्छा बनाने का शौक होता है, मैं चाहती हूँ, और क्योंकि मैं बेकर हूँ तो मैं अपना एक फ्लेवर इवेंट पे लेके आऊँ, तो इसी वजह से मैंने ऑफ़र किया कि मैं एक केक लेके आती हूँ। और हमेशा ही बर्थडे हो, कोई शादी हो, कुछ भी हो, हर इवेंट पे केक की अपनी ही जगह होती है और उसकी अपनी ही बात होती है, और जहाँ केक पड़ा होता है सब वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, सब उसी को देखना चाहते हैं। मैंने यही सोचा कि आए बच्चे आएंगे, सब आएंगे और वो देख के, और मैं अब पाकिस्तान के लिए अपना प्यार शो करना चाहती थी कि बिल्कुल। और ख़ास तौर पे ज़्यादा रौनक इस तरह हो गई कि आसिफ भाई भी हमारे साथ मौजूद, आसिफ भाई इधर साथ ही खड़े हो जाए, आसिफ भाई कहते मैंने बोला नहीं। अच्छा, लेकिन केक का ये है कि देखो कि पाकिस्तान की बर्थडे है, तो केक ने जो काटा है और सब लोगों ने सेल्फियाँ ली तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और मतलब मज़ा हमारा दुबाला हो गया। आसिफ भाई की बिरयानी भी अच्छी थी, म्यूज़िक हुआ, क्रिकेट हुई, फुटबॉल हुई, लेकिन केक की अपनी बात थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारे बच्चे आए, तीनों बच्चे माशाल्लाह, बच्चे भी थक गए। आसिफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके गाइस, जिन लोगों ने नहीं देखा, आपने मिस कर दिया, अगले इवेंट में ज़रूर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी का इवेंट जो है वो अख्ताम हो चुका है। मेरे साथ तलब मौजूद है जो इंगल स्टार से, इनसे इनकी राय लेते हैं, कैसा लगा आपका आज का इवेंट? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, एक पाकिस्तान जैसी फीलिंग आई, और लाइक फील हुआ कि पाकिस्तान में ही है, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसमें हम पाकिस्तान कम्युनिटी एक जगह जमा हो और ऐसे इवेंट सेलिब्रेट। अच्छा, आप बड़े दूर से इंगल स्टार से, कितना टाइम लगा आपको घर से यहाँ पहुँचने में? टोटल हमें एक घंटा ट्रेन पे लगा, फिर कम्यूट किया बस से, तो वहाँ पे भी और यहाँ पर भी 1.5-2 घंटे। बहुत शुक्रिया। और आज इन्होंने बड़े जज्बे से जो है मिली नगमे भी गाए, कौन सा मिली नगमा था? दिल दिल पाकिस्तान गाया हमने, और ए वतन प्यारे वतन, ज़बरदस्त। और अब आप हमसे वादा करेंगे अगली दफ़ा अपने इंगल स्टार्ट में भी ऐसा करवाना है कम्युनिटी? इंशाल्लाह ज़रूर। शारिक भाई पिछली बार भी आए थे हमारे साथ, इस बार भी बहुत अच्छा लगा था इंगल स्टार्ट की कम्युनिटी में। और जितने भी व्यूअर्स हैं, आप जिस जिस शहरों में हैं, आपके शहरों में अगर नहीं हुए तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह होंगे, और आपके साथ। हाँ जी, और ये वासिफ भाई आ गए साथ हमारे, और रिजवान भाई, रिजवान जो हैं ये भी पहले व्लॉगर्स थे, अभी भी दोबारा व्लॉग बनाएंगे। आज इन्होंने सारी व्लॉग बनाया वासिफ भाई के लिए, उनकी डायरेक्शन की है, तो देखें जी ये चेक करते हैं जी, आपको लगाते हैं इधर। अच्छा जी, वासिफ भाई ने आज जो बिरयानी हमारे लिए बनाई, वासिफ भाई इवेंट के बारे में बताएं, कैसे बिरयानी तो आउटस्टैंडिंग थी, इवेंट के बारे में बताएं। इवेंट भी आउटस्टैंडिंग था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, और डे के हवाले से इस तरह का इवेंट पूरे जर्मनी में बल्कि यूरोप में नहीं होगा। ओपन एयर स्पोर्ट्स ग्राउंड, बच्चों के खेलने की जगह,
और बड़ों के बैठने की जगह तराने लगे हुए हैं, ऐसे ही लग रहा था लाहौर है यार। मैं तो अभी सोचा था कोई गुड़ियाँ उड़ाने आएगा इधर, कोई गुड्डी ना आ जाए कोई आए, वो काटा। और हमारे जो उनको भी बुलाए थे उस्मान भाई, उस्मान भाई जो है ना वो मौजूद नहीं थे स्क्रीन पे ना तस्वीर, क्योंकि तस्वीरें भी ये बना रहे थे और सारा खाने के साथ बैठने में सारी सपोर्ट भी इनकी थी बिल्कुल। हाँ आपके करीब ये माइक कोई नहीं। हाँ जी उस्मान भाई से भी तासरात लें। उस्मान भाई कैसा लगा इवेंट आज? बहुत बेहतरीन, बल्कि लास्ट ईयर भी मैंने अटेंड किया था, बहुत हमने इकट्ठे ही अटेंड किया। इस दफ़ा भी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा था, काफ़ी क्राउड भी था, काफ़ी अच्छा इवेंट हुआ है। उस्मान भाई अक्सर कैमरे के सामने नहीं होते लेकिन पीछे होते हैं और सारा करवाते हैं। मस्जिद में जब होता है कोई भी तकरीब होती है वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत मज़ा बेटे शारक भाई के साथ इवेंट भी बड़ा इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त बेहतरीन। यानी कि नेक्स्ट ईयर अगेन ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। रिजवान से भी तासरात लेंगे हमारे डायरेक्टर साहब जी। शारिक भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया है, हमने वेलकम। वासिफ भाई ने सीक्रेट ऑफ स्पाइसिस के थ्रू जो है बिरयानी आई है और केक का और सारा इंतज़ाम शारिक भाई ने किया है और फैमिलीज थी। हाँ जी और उसमें भी हाँ बिल्कुल तस्नीम मेरे पास है, तस्नीम भाभी ने जो है आज हमारे लिए केक लाई है और उसमें माशाल्लाह केक फैमिलीज इवेंट। कई लोग कहते हैं जी खवातीन की तरह इसमें प्रॉपर खवातीन की बिल्कुल प्रॉपर जो है ना फैमिलीज का बच्चे बच्चों का फैमिलीज के लिए इवेंट था। और मैं कहता हूँ म्यूनिक जैसे शहर में पाकिस्तानियों का ऐसे इकट्ठे होना ये वाकई एक जो है ना बहुत बहुत अच्छा साइन है। बाकी पूरी तफसीली वीडियो आपको मिलेगी कल DMD. कल नहीं DMD में तो मिलेगी लेकिन एक्चुअली जो सीक्रेट ऑफ स्पाइसेस पे आएगी कब कब आएगी जी? एक दो दिन में आएगी क्योंकि आज एक दो दिन में आज बिरयानी बना बना के मैं तो थक गया हूँ। अब एक दो दिन ब्रेक है, एक दो दिन ब्रेक है। 14 अगस्त पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिरी बात ये आज शाम, क्योंकि 14 अगस्त का दिन खत्म हो रहा है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग आज नहीं आए आपने कुछ मिस किया है राइट? कुछ बहुत मिस किया और मिस कर देता था मिस कटिंग और तराने और गेम्स। अभी जब दो दिन बाद आएगी क्या कहते हैं जो ब्लॉग सीक्रेट स्पाइसेस का, फिर आप ना हमसे शिकायत करना क्यों जी? स्पेशली बिरयानी आज कराची बिरयानी कराची वाली बनाई मैंने, मैंने स्पेशल आलू डाले हैं उसमें क्योंकि पंजाब में ये नहीं होता, पंजाब में बगैर आलू के होती है। तो एक चीज़ मिस हो रही थी हमेशा, तो कराची से बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे दोस्त, तो मैंने आज स्पेशली जो है ना आलू भून छून के सही ज़बरदस्त कराची स्टाइल के बनाए। आप कराची से हैं? जी जी बिल्कुल। आप ज़रा बताइए जब बिरयानी थी बिल्कुल एक्यूरेट जो कराची वाला टेस्ट था बिल्कुल वैसा ही था, आलू वैसे ही भुने हुए थे जैसे कराची के होते। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी क्रिकेट खेल के सारे दोस्त थके हुए, इवेंट के बारे में तासरात लेते हैं वन बाय वन, नाम भी बताएं और बताएं कि आज का इवेंट कैसा लगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जिंदाबाद जी। आज आए थे हम, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, फुटबॉल खेली क्रिकेट खेली, मिली नगमे गाए, मिली नगमे भी गाए, केक काफ़ी मज़ा आया, केक भी या नहीं वो मज़ा वो जो घूमता फिर इधर आए इधर आए इधर आओ ब्रदर ये मुझे सॉरी गाइस मैं थोड़ा सा पेट निकल रहा है, इनकी तरह स्मार्ट होना है मुझे इनकी तरह स्मार्ट। अच्छा ये बताएं कि जो है मिली नगमे भी हुए, ओ बच्चा भी शरारती भी तो कैसा फैमिली? देखिए फैमिली इवेंट था जो अक्सर लोग कहते हैं जी, स्टूडेंट्स फैमिलीज और यंग मतलब यंग और डिफरेंट तबके जो है ना वो मिक्स नहीं होते, तो आज कैसा लगा फैमिली जैसा माहौल पाकिस्तान? हम सच्ची बताएं तो इतनी उम्मीद नहीं थी हमको, वैसे अक्सर हम सोचते हैं इधर कोई फंक्शन कराते हैं या ऐसे वैसे सारा कुछ, लेकिन जब इधर आए हैं तो बाकी का मज़ा आया, मज़ा आया। आइंदा भी आएंगे इंशाल्लाह जरूर जरूर। हाँ जी इनको भी दें जी माइक, फंक्शन था लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, आपने इतना अच्छा अरेंज किया हुआ था, फैमिली भी थी सारे थे और फैमिली काफी सालों के बाद म्यूनिख में ऐसा फर्स्ट हुआ, पहले मैंने में शायद हुआ लेकिन पता ना लगा हो शायद, लेकिन अब इसको कोशिश करेंगे तकरीबन सबको पता है। 10 साल से मैं भी रह रहा हूँ लेकिन पहली दफा ऐसा फर्स्ट ठीक है मतलब कि 14 अगस्त का चैलेंज असल में 6 साल भी था लेकिन पिछले लेकिन पता नहीं चला कोरोना की वजह से काम। अभी आपका फेसबुक पे सब पेज वो उसमें आप वीडियो शीडियो शेयर करते हैं और इधर आएंगे साथ साथ लोगों को दिखाएं पीछे, तो वो सारी फैमिली घूम रही है, क्रिकेट खेला एंजॉय किया और फैमिली भी यहाँ एंजॉय कर रही है, बच्चे भी बैट भी है सबूत किया देख लें बहुत ही अच्छा लगा, वो जो हार गए उन्होंने बैट पकड़ लिया हमने वो अच्छी वाली टीम को ना खूबसूरत लोग को भी खूबसूरत लोगों को खूबसूरत बात करें
ये कहाँ से है ना, वैसे वैरायटी हमारे पास हर किस्म की है, हम मंडी से भी हैं, हम इस्लामाबाद से भी हैं और हम लाहौरिया भी हैं थोड़े बड़े। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम जी, बताएं जी। बहुत अच्छा लगा इधर आके। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुनीब है। मुनीब कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान से, मैं गुजरांवाले के पास हूँ। अच्छा जी, लेकिन आप तो स्मार्ट से हैं जी, आप तो स्मार्ट से हैं, पहलवान नहीं लग रहे। स्मार्ट से रहना पड़ता है इधर, रहना पड़ता है। तो क्या, कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा लगा इधर आके, उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन फिर भी देख लें, मैं ज़बरदस्ती तारीफें नहीं करवा रहा। पाकिस्तानी बहुत भाई बहुत आए इधर, स्टूडेंट्स बहने भी, बहने भी आई हैं। माशाल्लाह, रौनक लगी हुई थी यहाँ पे। इंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। आइंदा भी आना, मजा आया था। क्रिकेट के, क्रिकेट का भी आया बिल्कुल। तो आज यहाँ क्रिकेट भी। वासु भाई की बिरयानी कैसी लगी थी? अब बहुत अच्छी लगी थी, मैंने थोड़ी सी टेस्ट की क्योंकि मैं घर से खाना खा के आया था, अलग कोई बात, लेकिन अच्छी लगी बहुत। चले, बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आते रहे सारे दोस्तों का। ये देखें जी, आए जी, आए, आप भी बात करें। ये फंड इकट्ठे करता है। हाँ जी, बताए जी, फंड, वो कह रहे फंड इकट्ठे करता है। ये बताए फंड क्या होता है? ये बोतलों के ना 25 सेंट मिलते हैं, वो होते हैं। वो फंड होता है जी, जिनको नहीं पता, जर्मन में बोतलें वापस करने के 25 सेंट मिलते हैं। अच्छा, तो ये चेन हीरे की है, मतलब के सॉरी सिल्वर की है जी जी। तो ये यार क्या बात है, है? क्या नाम है आपका? मतीब। मतीब, आप जर्मनी में कितने अरसे से हैं? 5-6 साल होने वाले हैं। 5-6 साल होने वाले हैं। तो कैसा लगा आज के? नहीं, मज़ा आया, मज़ा आया, ठीक है, मजा आया और मजा आया। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, जिंदाबाद जी। काशिफ भाई से पूछते हैं, कैसा इवेंट रहा आज? जी, आज का इवेंट बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया, और स्पेशली हमारी फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए जो है ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था कि बच्चों को एटलीस्ट जो है पता चले कि 14 अगस्त जो है वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है हम पाकिस्तानियों के लिए दिन जी। तो जी, आज़ादी का दिन है, हम प्रदेश में दियारे गैर में जो है, पहले तो आपके बहुत थैंकफुल हैं, मशहूर हैं कि आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम है इसको ऑर्गेनाइज किया और इसमें सब लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया, तो कि बहुत हमने इंजॉय किया, तो जज़ाकअल्लाह, माशाल्लाह। मैं आप सरफराज भाई, सरफराज भाई जो है म्यूनिख में, हम जब भी इवेंट्स होते हैं हमेशा आते हैं विद फैमिली, बच्चों के साथ, और इसको रौनक बख्शते हैं। और आज ना सिर्फ इवेंट इंजॉय किया और क्रिकेट भी खेली बकायदा जी, बिल्कुल। लास्ट टाइम जो रेसिंग थी वो भी जीती, और पिछली दफ़ा वो जो प्रपोज करना था भाभी को दोबारा, वो भी जीता। तो आपके बड़े फैंस हैं यहाँ पे, इवेंट के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच। ये सब तारक भाई आपकी वजह से होता है, आप अरेंज करते हैं और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिन लोगों को महीनों महीनों नहीं मिलते उन लोगों से मुलाकात हो जाती है। जिन लोगों ने आज मिस कर दिया इवेंट, उनको क्या पैगाम देने का, देख रहे हैं? मैं कहता हूँ बहुत लॉस हुआ उन लोगों का, जिन जो लोग नहीं आ सके, आना चाहिए था। बच्चों ने भी इंजॉय किया, एक दूसरे से मिले हैं, क्रिकेट खेली है, बहुत फुटबॉल भी खेली है लोगों ने, केक काटा जी, बच्चों ने बहुत, तस्लीम भाभी ने केक बड़ा अच्छा लगाया था, वासु भाई की बिरयानी बड़ा बेहतरीन था, बिरयानी खाई, केक खाया हमने, एंजॉय किया, बिरयानी खाई हमने, स्पोर्ट्स भी की, क्रिकेट फुटबॉल दोनों। हाँ जी, आप लेकिन हमारे साथ नारा लगा सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी, ठीक होगा जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद।